में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी के बजट से पहले मिडिल क्लास के लोग रसोई बजट में राहत की आस लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बजट में रसोई गैस सिलेंडर पर जीएसटी कम करने का ऐलान हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार अपना वैट वापस ले सकती है, तो वहीं मिडिल क्लास को राहत मिल जाएगी। पेट्रोल पर 28.08% और डीजल पर 17.48% वैट राज्य सरकार का है। वैट में राहत से ईंधन कीमतों में भी फौरी तौर पर राहत मिल सकती है। आसमान छूती कीमतों में रसोई का बजट बिगाड़ रखा है, बाकी कसर पेट्रोल डीजल ने पूरी कर रखी है। तो अगर बजट कहलाता है तो उसमें क्या कुछ संभावनाएं रह सकती हैं, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त करने की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा और गोरखपुर के पर्यटन विकास के लिए नई योजनाएं हो सकती हैं। गंगा किनारे के गांवों में गंगा मैदान, गंगा चबूतरा और कई विकास कार्य हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट या फिर लैपटॉप की घोषणा हो सकती है। प्रदेश की 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की गति बढ़ाने और काम शुरू करने के लिए योजनाएं बन सकती हैं। फिल्म सिटी के लिए भी बजट का प्रबंधन होने की उम्मीद पूरी है। किसानों के लिए भी कई तरह की नई घोषणाएं हो सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अच्छी खासी धनराशि का प्रबंध होने की उम्मीद है। राज्य में जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश होगी। राज्य के विकास पर ज्यादा जोर हो सकता है। बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। तो वही जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में बीते 6 जनवरी को अंजाम दी गई अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। धनंजय सिंह पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि पूर्व सांसद ने शूटरों की मदद की थी। पुलिस ने पहले उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं सफलता हाथ लगी, जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया। ऐसे में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो पुलिस भगोड़ा घोषित करके संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी तक की? देखिए पूजा, धनंजय सिंह को लगातार पुलिस सर्च कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ से लगाकर जौनपुर तक के जितने भी ठिकाने हैं उस पर पुलिस लगातार उनको सर्च कर रही है। उनके जो मोबाइल से भी ट्रेस किया जा रहा है आखिर धनंजय सिंह कहाँ है। धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से जो शूटर राजेश तोमर था उस पर उसने उसको इलाज को लेकर के धनंजय सिंह ने सिफारिश की थी। 164 के बयान डॉक्टर ए के सिंह के जब कोर्ट में दर्ज हुए, वहां पर बयान के बाद पुलिस ने जिस तरीके से दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने एनपीडब्ल्यू जारी किया है। अब जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी धनंजय सिंह पर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बजट से सभी को उम्मीदें हैं, सभी चाहते हैं कि बजट में कुछ खास हो ताकि उनकी जो दिक्कतें चली आ रही हैं, हालांकि केंद्र सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें थी वो बहुत ज्यादा पूरी हुई नहीं। अब उम्मीदें सबको राज्य सरकार से है, कल बजट पेश होना है, संभावनाएं क्या क्या हैं? विवेक तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ में। विवेक जी, क्या कहना है आपका, क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्योंकि कुछ तो संभावनाएं हम बता ही रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, कुछ जो बच जाती है वो आप बता दें। पूजा, ये जो बजट होगा सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल इनको इलेक्शन में जाना है, विधानसभा का चुनाव होना है। पिछला जो साल था वो कोरोना की वजह से खराब हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ सरकार कर नहीं पाई, तो ले देकर के ये ऐसा बजट होगा जिसके जरिए सरकार जिसके सहारे चुनाव में जाना चाहेगी। इसलिए ये लोक लुभावन बजट होने की पूरी पूरी संभावना है। सरकार के जो दो मुख्य एजेंडे हैं, पहला तो उनका एक धार्मिक एजेंडा है, जो धार्मिक पर्यटन केंद्र है उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा
चित्रकूट और गोरखपुर और इसके अलावा छोटे छोटे धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल है उनको डेवलप करने के लिए उनमें पैसा दिया जा सकता है। गौ रक्षा को लेकर के सरकार कोई बड़ा एलोकेशन कर सकती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। प्रदेश में इस वक्त 5 पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, उसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। इस तरह के 5 ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जिनको सरकार बड़ा एलोकेशन करने जा रही है जो इस बजट में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेवर एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। ठीक है विवेक जी, ये तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात हो गई धार्मिक क्षेत्रों को डेवलप करने की, बात हो गई जो उनकी हिंदुत्ववादी छवि है उसको सशक्त करने की बात हो गई। लेकिन हम जाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश इस समय कहीं ना कहीं उसकी बीजेपी की पकड़ ढीली हो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। क्या ये बजट उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, किसानों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है क्या? क्योंकि इस क्षेत्रों में विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, एक लास्ट पैतरा है इस बजट का कि किसी तरह का संतोष दिया जा सके लोगों को। देखिए सरकार, जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो इसके खाते में, इसके बजट में इतना खजाना नहीं है कि किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा ये कर दे, क्योंकि जब सरकार आई थी उसी वक्त करीब 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही गई थी, उसमें से कुछ हो पाया कुछ नहीं हो पाया। इसलिए इस तरह का कोई बहुत जिसको हम कहते हैं लोक लुभावन किसानों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इरिगेशन को लेकर के सरकार कुछ नया सोच रही है, कुछ बड़ा सोच रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की प्रमुख समस्या किसानों के लिए होती है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड हो। तो किसानों के खेती की सिंचाई के लिए सरकार कोई बड़ी योजना ला सकती है, उसमें पैसा दे सकती है, इस बात की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो पर साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। रुक करेंगे बाराबंकी का। बाराबंकी के मलौली गांव में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी भाटा जंग हुआ, पथराव तक हुआ, जिसमें एक महिला समेत 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इस घटना में घायल एक बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी क्षेत्र की, ये तस्वीरें जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज के बसवार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस जागती के शिकार नाविकों के परिजनों से मुलाकात करी। यमुना किनारे टीले पर मौजूद निषाद समुदाय के लोगों की समस्याएं सुनी और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान उन्होंने निषाद समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने इस सरकार को वोट दिया लेकिन वो भूल गई। जो सरकार वोट लेकर भूल जाए उसे सबक सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और वो खुद आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद तो आपके लिए नहीं चल रहा है कि हम जो आपकी लड़ाई है वो सड़कों पर माफिया के लिए चलाई जा रही है, अलग अलग माफियाओं के लिए चलाई जा रही है। आपने सुना होगा बहुत आंदोलन चल रहा है किसानों का, किस लिए सत्र में उठाएंगे, इसीलिए प्रियंका गांधी क्योंकि उनके मामलों में भी उनकी समस्याओं को भी सरकार समझ नहीं रही है या पूरी तरह से समझ भी रही है लेकिन मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति उनका फायदा हो रहा है। उसी तरह से जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों के की भलाई हो और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सब इजाजत दें। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पीड़ा कैसी, अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, आपकी नाव तोड़ी है,
इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बरादरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की, जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है, जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है, तो वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी है, इनको आपके लिए काम करना चाहिए, आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, आपकी जो समस्याएं हैं उनको समझ के उनको सुलझाना चाहिए। तो आनंद राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रियंका काफी आक्रामक थी, योगी सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही थी, मामला क्या पूरा? देखिए, प्रियंका गांधी का जो चुनावी सफर कहा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका का यह दूसरा दौरा है, हाल ही में विधानसभा चुनाव होने यानी 2022 में, तो उसकी चुनावी जमीन अभी से कांग्रेस ने तैयार करने शुरू कर दिया है। प्रयागराज के घूरपुर बसवार गाँव में कुछ दिन पहले पुलिस ने जो वहाँ के नाविक हैं, मछुआरे हैं, उनकी नावों को तोड़ा था, उनके घरों में आग लगा दिया था। तो उनके दर्द को जानने के लिए प्रियंका गांधी स्वयं प्रयागराज आज दौरे पर आई। उनके बीच में जब पहुंची हैं तो महिलाएं बड़ी भावुक हो गई, रोने लगी और अपना दर्द उनको बताया। तो प्रियंका ने उन महिलाओं को पूरा आश्वासन दिया कि आपके दर्द को अब सड़क से लेकर संसद तक हम पहुंचाएंगे और आपकी सारी जो उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न का एक एक क्या बदला हम लोग लेने का काम करेंगे। ये कुछ ऐसी धारणाओं के साथ प्रियंका गांधी आज प्रयागराज पहुंची और उन लोगों को सांत्वना दी और ये उम्मीद जगाई कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो वहीं एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ बैठक करी है, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में किसान नेताओं से बैठक की गई और आगे रणनीति पर चर्चा होगी। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का प्रतापगढ़ के बलीपुर वो पहुंचे हुए थे, तो वहीं इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी दलों के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं बीते दिनों शिवपाल यादव AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात करते नजर आए। वो लगातार कई पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं और सपा पर लगातार हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इससे पहले सपा की ओर से जारी स्लोगन पर प्रसपा ने हमला बोला था। सरकार को तुरंत ये कानून, जब पूरे देश का किसान इसके विरोध में है, तो तुरंत ये काला कानून को वापस ले लेना चाहिए और MSP का कहीं जिक्र नहीं। MSP तो पहले उनको उस पर देना चाहिए था, वही MSP लागू होगी, ये जिक्र ही नहीं, तो सीधा सीधा पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहिए। तो प्रगल सिंह समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। तो वहीं आपको बता दें कि वाराणसी की सड़कों पर महंगाई का विरोध करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने स्कूटी और सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को आज सबको प्रभावित ये दाम कर रहे हैं, जिस पर राजनीति भी गर्मा रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में बढ़ती महंगाई के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महंगाई को कम करने की मांग की है। और देखिए किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्कूटी और गैस सिलेंडर को। पेट्रोल शतक पार कर रहा है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, आज वो एक तकलीफ है, एक पीड़ा है हर घर में। समझ लीजिए कि रोजी रोजगार सारे लोगों के बंद हो चुके हैं। आज हम लोग बड़ी तकलीफ के साथ इस श्रद्धांजलि के लिए बड़ा आतुर हुए हैं हम लोग। महंगाई के लिए सिर्फ एक ही कहेंगे, मोदी जी फोटो से नहीं, ज़मीन पे देखिए, बहुत बुरा हाल है हमारे भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे हर राज्यों का। आज हम नौजवान समाजवादी छात्रसभा और समाजवादी लोग राम कटोरा स्थित
महंगाई को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दूसरी चीज, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कोविड को देखते हुए देश महामारी से झेल रही है, सरकार को कान में जू भी नहीं लग रहा है। महंगाई में महंगाई बढ़ती जा रही, देश में महामारी और भुखमरी फैलते जा रहा है। आज जिस तरीके से पूरे भारत देश में पेट्रोल और डीजल और इसके सिलेंडर के दाम में मूल्य वृद्धि हो रही है लगातार, उस समय से हम सभी नौजवान आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम देते हुए कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग सरकार से एक मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल के दाम है, जो डीजल के दाम है, उसको गिरावट लाए, नहीं तो हम सभी नौजवान रोड पर निकलने का काम करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करेंगे। तो अमरोहा में परिवार के साथ लोगों को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम से मुलाकात करने उसका बेटा रामपुर पहुंचा है। उसके साथ उसकी देखभाल करने वाले उस्मान भी हैं। दोनों शबनम से मुलाकात करने के लिए रामपुर जिला कारागार पहुंचे। आपको बता दें कि परिजनों की हत्या में शबनम को फांसी की सजा मिली है। शबनम रामपुर जेल में बंद है, तो वहीं इन दिनों फांसी की तैयारी मथुरा जेल में चल रही है। हालांकि अभी डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लगातार शबनम की फांसी को टालने की मांग की जा रही है। बेटे ने राज्यपाल से गुहार लगाई है कि उसकी मां को छोड़ दिया जाए। पत्र लिखा है बेटे ने। तो वहीं उन्नाव में दलित परिवार की दो लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले कि बीते दिनों पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को देर शाम सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा था। हालांकि आधार कार्ड के आधार पर फिर उसको पाया गया कि वो बालिग है और अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्नाव लगातार अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। जहां बीते दिनों दो किशोरियों की मौत से हड़कंप मचा, तो वहीं एक बार फिर से उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के तजकपुर में कई दिनों से लापता युवती का शव नदी के किनारे मिला। युवती का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कोई भी निशान नहीं पाया गया, जबकि जानकारी मिलने पर सपा कार्यकर्ता परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो वहीं हरदोई के जिला अस्पताल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में बीती रात अचानक बिजली चली गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल में घंटों अंधेरा छाया रहा। तो बिजली नहीं आने पर अस्पताल के डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी का सहारा लेकर इलाज करते डॉक्टर्स नजर आए हैं। और ये तस्वीरें भी वायरल हो रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हरदोई में अस्पताल प्रशासन कि बड़ी लापरवाही सामने आई, और इस लापरवाही के चलते डॉक्टरों को मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा है मरीजों का। तो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हरदोई का, जहां 8 साल बाद 3 शिक्षक फर्जी टीईटी के अंकों के आधार पर नौकरी करते पकड़े गए। भरखरी विकास खंड में नौकरी कर रहे तीनों शिक्षक फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। तो वहीं जानकारी मिलने पर बीएसए ने तीनों को बर्खास्त कर दिया। तो वहीं सभी के खिलाफ वेतन वसूली की कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। जनपद में जांच समिति के द्वारा 3 शिक्षकों के शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच कराई गई थी। उसमें इनके द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों में अनियमितता पाई गई। ये 3 शिक्षक थे, श्री विदेश कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र, ये सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय हथौड़ा भरखनी में कार्यरत थे। इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। संबंधित तहसील से जांच करवाने के पश्चात वहां से ये रिपोर्ट आई कि इनके द्वारा लगाया गया रिपोर्ट प्रमाण पत्र फर्जी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।